हेलो दोस्तों, मैं हूँ दीप छात्रा एंड आप देख रहे हो ओनली फॉर डिज़ाइन। तो आ गया फिर से नया वीडियो लेके, नया कुछ चीज़ लेके। तो आज एक रिक्वेस्ट की आया एक मेरा फ्रेंड, मेरा एक दोस्त से, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा अच्छा कमेंट करता है मेरे वीडियो पे। तो उसका नाम है दुर्गेश कुमार। थैंक यू दुर्गेश कुमार फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अच्छा अच्छा कमेंट करने के लिए, लाइक करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो उसने एक मुझे रिक्वेस्ट किया है, उसने एक मुझे वीडियो बनाने के लिए बोला है, फोटोशॉप के ऊपर वेब डिज़ाइनर का वीडियो। तो हम एक आज पीएचडी बनाएंगे, पीएचडी फोटोशॉप में बनाएंगे एंड वेब डिज़ाइनर के लिए होता है, अब तो सब जानते ही होंगे। तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब तो करेंगे, जो जो नया नया है मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में जो बेल बटन है उसे हिट कर दीजिए, तो सबसे पहले मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो कुछ अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा अच्छा कमेंट आ रहा है, बहुत सब्सक्राइबर बढ़ रहा है मेरा, बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम वेरी हैप्पी। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं डेस्कटॉप पे, फोटोशॉप ओपन कर लिया। तो हमने फोटोशॉप ओपन कर लिया, आप देख सकते हैं मेरा फोटोशॉप ओपन है। और हम एक एक ये जो ये है, हम बूटस्ट्रैप 3 का ग्रिड सिस्टम, आप ये हम आपको हम ऑनलाइन का लिंक दे देंगे, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। ये बूटस्ट्रैप 3 का ग्रिड सिस्टम है, ये बहुत आसान होता है इसमें कुछ चीज़ बनाने के लिए। तो हम आपको लिंक दे देंगे, आप प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिएगा प्लीज़। तो चलिए बनाते हैं कुछ, क्या बनाएं। तो मेरे पास लोगो डामी लोगो चाहिए, मुझे कुछ चीज़ चाहिए। डामी लोगो कहाँ से लाए, वेबसाइट। ठीक है, हम डामी लोगो चाहिए। न्यू वीडियो वेबसाइट के अंदर देख सकते हैं, कूपनर्स नहीं, हम एक वेबसाइट बनाया था फिटनेस बोल के, फॉन्ट फ्री पिक पर नहीं है। तो डामी लोगो मुझे चाहिए, डामी लोगो कहाँ से एक लोगो चाहिए, डामी लोगो। तो मुझे डामी लोगो चाहिए, तो डामी लोगो मुझे मिल गया, मेरे पास एक लोगो था, तो हम इसको ले लेते, फोटोशॉप पे ओपन कर लेते। तो पहले क्या करेंगे, हम इसको डामी लोगो को ऐसे लेंगे, ऐसे इनको थोड़ा बड़ा कर लेंगे इतना तक, ठीक है। तो इसको बिठाएंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बिठाते हैं, डामी लोगो है। तो हम क्या करेंगे, जो हेडर है, हेडर को पहले हम थोड़ा कलर दे लेंगे, नहीं ठीक है अभी, ये ठीक है, हम कोई कलर अभी नहीं देंगे, नॉर्मल सा बना रहे, कुछ याद नहीं, मुझे पता नहीं हम क्या बना रहे, कुछ दिमाग में नहीं है। तो चलिए देखते, बेसिक चीज़ कुछ तो बता ही देंगे, बेसिक चीज़ कुछ है जो कैसे बनाता है, कैसे क्या करता है, हम बेसिक चीज़ कुछ बता ही देंगे आपको एंड देखता हूँ क्या करना है। तो इसको होम कलर चेंज कर लेते, होम ब्लैक कर लेंगे, ठीक है। देखिए ब्लैक कर लिया, लेकिन इसका जो फॉन्ट है, फॉन्ट हमको साइज भी से बढ़ा रहा हूँ। देखिए इसका जो फॉन्ट है, फॉन्ट एकदम अच्छा नहीं है। तो मेनू के लिए हम यूज़ करेंगे हल्का सा कोई फॉन्ट, ओपन एंड सन्स रेगुलर, ये बहुत अच्छा मेनू के लिए। अब मेनू में कभी भी बोल्ड फॉन्ट यूज़ मत कीजिए, मेनू में बोल्ड फॉन्ट अच्छा नहीं लगता, ऑल टाइम हल्का कोई फॉन्ट ही अच्छा लगता है। तो इसको हम कुछ स्पेस देते इतना तक, स्पेस को कॉपी कर लेंगे, क्योंकि
सब में हम ये स्पेस कॉपी करके डाल देंगे, इसलिए तो सब में जो मेनू है उसमें डिस्टेंस एक ही रहेगा। देन अबाउट, देन पेस्ट, होम अबाउट हो गया, ब्लॉग, होम अबाउट ब्लॉग, देन गैलरी, गैलरी, दे होम अबाउट ब्लॉग, ब्लॉग को हम हटा के सर्विसेज कर दे रहा हूँ, सर्विसेज, ठीक है, इसको सर्विसेज, आर वी आई सी, सर्विसेज, देन गैलरी, देन हम कर देंगे पेस्ट कंटेंट, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो ये हमारा कुछ मेनू हो गया। तो हम फॉन्ट साइज थोड़ा और छोटा कर रहे हैं, इतना तक ठीक है फॉन्ट साइज, देखिए हम देख सकते हैं, हम मैं लोगों को भी थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, लोगों भी बहुत बड़ा लग रहा है, लोगों को छोटा, ठीक है, लोगों इतना ठीक है, फॉन्ट साइज भी ठीक है, ठीक है। तो ये आ गया मेरा हेडर। तो हम क्या करेंगे, हेडर के ऊपर और एक हम सेक्शन ले लेंगे, तो इतना तो हम इतना सा हम एक एक करके रखते, तो एक सेक्शन लेता हूँ, स्क्वायर शेप को कॉपी किया, सिलेक्ट किया एंड यहाँ पे पेस्ट कर दिया। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो स्टॉक लेके रखा है, हम स्टॉक को रिमूव करेंगे यहाँ से एंड फिल करेंगे इसको, इस पर कौन सा कलर फिल करें, येलो कलर फिल करते हैं, येलो कलर नहीं है, ब्लू कलर के ऊपर बनाएंगे आज थीम, कुछ ब्लू कलर के ऊपर बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए ब्लू कलर हमने यहाँ पे दे दिया, आप देख सकते हैं ब्लू कलर अच्छा ही लग रहा है, ब्लू कलर दे दिया, ठीक है। तो इसको सेव कर, हर टाइम इसको सेव करना चाहिए, क्योंकि कभी भी अगर बंद हो जाएगा व कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा ना, तब इसको सेव रहेंगे तो बहुत अच्छा होगा इसको, ठीक है। तो हम ऐसे मेजरमेंट कर लेते हैं, तो चलिए आइकॉन लेते हैं। तो आइकॉन हम कहाँ से लेंगे, गूगल पे जाएंगे, गूगल पे गूगल सर्च करेंगे, लेकिन आइकॉन फाइंडर, आइकॉन फाइंडर, आइकॉन फाइंडर पे जाएंगे, यहाँ से बहुत कुछ आइकॉन आपको मिल जाएगा, बहुत सारा आइकॉन आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ पे फ्री का आइकॉन मिलता है, पीएचडी भी मिलता है एंड एआई फाइल में भी मिलता है, पीएनजी में मिलता है, बहुत सारा आइकॉन, बहुत सारा एसवीजी में मिलता है, बहुत सारा फाइल में ही मिलता है आपको आइकॉन। तो यहाँ पे जाएंगे हम, पहले लिखेंगे फ़ोन, हमें फ़ोन का आइकॉन चाहिए, फ़ोन का लिखा, देखिए देखिए इतना सा आइकन, ये सब ऊपर में, ये फ्री नहीं है, पेड है। तो नीचे आएंगे, नीचे फ्री, फ्री, हाँ फ्री, फ्री आइकन, फ्री नीचे और नीचे सब पेड, देखिए $2 करके एक एक आइकन, $2 करके, पागल है हम लोग कि इंडिया वाला में $2 करके एक एक आइकन खरीदेगा, $2 हम लोग इतना पागल नहीं, तो इंडिया वाला फ्री बहुत फ्री का, ठीक है इंडिया का मैटर नहीं है, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, $2 में कौन आइकन खरीदता है, जो पागल पागल ही होता है जो $2 में आइकन खरीदता है, खरीदता है, ठीक है। तो चलिए फ्री का देखते हैं, तो हम आइकन से यहाँ से हम अगर फ्री, फ्री फ्री का आइकन सब पेड क्यों आ रहा है, कन पाई आइकन, डिजाइनर्स मोस्ट टॉप सेल आइकन, फोन आइकन फ्री, फ्री देख के देखता हूँ, देखिए हाँ यहाँ पे फ्री का ऑप्शन है, तो यहाँ पे फ्री का ऑप्शन है, हम फ्री के क्लिक किया, देखिए आइकन आ गया, ठीक है। तो हमको चाहिए वाइट कलर का कुछ चाहिए, वाइट पे होगा तो बहुत अच्छा है, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा शायद, मुझे लगता है आइकन हम, तो ठीक है हम इसको अभी डाउनलोड करते हैं, पीएनजी में डाउनलोड करेंगे, देखिए यहाँ पे एसवीजी पीएनजी एंड डाउनलोड एआई फाइल, एआई मतलब इलस्ट्रेटर का फाइल में आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम पीएनजी में डाउनलोड कर लिया, देन इसको ओपन करेंगे, ठीक है, देन इसको हम फोटोशॉप पे अलग सा कोई पे ओपन कर लेता हूँ, लेके इसके ऊपर मैजिक टूल से क्विक सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे, देन कंट्रोल बैकस्पेस से वाइट कर लेंगे इसको पूरा, देखिए पूरा अभी वाइट है, तो अभी
इस पे गया, हम इसको जूम कर रहा हूँ थोड़ा इसके ऊपर, ठीक है, देन इसको छोटा छोटा कर लेंगे और छोटा छोटा, ठीक है, इसको यहाँ पे रखते हैं। मुझे लगता है मेरा बहुत छोटा हो गया, तो इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इतना तक ठीक है, इसको बड़ा कर लिया, इतना ठीक है। तो हम इसको थोड़ा हटा रहे हैं नीचे, ठीक है, देन इसको आइकन को हम थोड़ा बड़ा करते हैं और थोड़ा, क्योंकि आइकन थोड़ा बहुत छोटा हो गया। तो आ गया फ़ोन का आइकन, देन हम क्या करेंगे, इसमें फ़ोन नंबर लिखेंगे, मेरा ही नंबर दे रहा हूँ, +917872295458, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अब अगर आप किसी ज़रूरत हो तो आपको, तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो मैंने इसमें वाइट पे दे दिया, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, यहाँ से हम पूरा एकदम साइड से लेंगे, सॉरी हाँ साइड से लेंगे, देन इसके बाद यहाँ पे, सॉरी क्या हो गया, ओ दोनों सिलेक्ट है एक साथ इसलिए नहीं हो रहा था, देन स्पेस देंगे, देखे ये वाला एक बॉर्डर मान लीजिए, बहुत अच्छा लगता है, देखिए अब जब ये हटाएंगे अब ऐसे देख पाएंगे, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे लगता है अच्छा ही लग रहा है, हम ज़्यादा पीजी बनाता नहीं है, सॉरी ओके देन हम क्या करेंगे, अभी फ़ोन का तो ले लिया, देन लेंगे मेल, मेल का आइकन लेंगे फ्री में, देखिए आ गया, देन हम ये वाला लेंगे, ईमेल आइकन, देन पीएनजी डाउनलोड, हर टाइम हम पीएनजी डाउनलोड करेंगे, मुझे पीएनजी चाहिए, ठीक है, पीएनजी डाउनलोड किया, देन अलग में, और बाकी सब हम काट रहे हैं अभी क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है अभी, बाकी सब काट दिए, देन इसको हम, इसको भी हम क्विक सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करेंगे, देन कंट्रोल एंड बैक स्पेस, बैक स्पेस चपने से हो जाएगा जब आपको व्हाइट नीचे आएगा, ये देख रहे हैं इस पे व्हाइट जब नीचे होगा तो कंट्रोल बैक स्पेस, जब ऊपर होगा तो ऑल डिलीट करने से आपको हो जाएगा, देन इसको ले जाएंगे इसमें, देन आप थोड़ा जूम कर लेता हूँ, देखिए यहाँ पे इसको छोटा कर लेता, ठीक है इतना ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे, थोड़ा बड़ा लग रहा है, थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, ठीक है, हम थोड़ा इसमें रूलर ले लेंगे सही लाने के लिए, ठीक है, ठीक ही है, थोड़ा लंबा इसलिए वो ऐसा लग रहा है, तो चलिए इसमें हम इसको कॉपी ऐसे कंट्रोल से ऐसे कॉपी करके हम इसको ऐसे डाल देंगे, मेरा मेल आईडी इसमें डाल देते हैं, हाँ मेरा मेल आईडी deep44@gmail.com, ठीक है, ये मेरा मेल आईडी आ गया, देन इसको सेव, तो देखिए मेरा ये दो तो काम हो गया, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, तो मेरा हेडर का एक पोर्शन बन गया,
देन इस पोर्शन में हम क्या कर सकते हैं, आइकॉन वगैरह कुछ दे सकते हैं। तो हम आज फिर से जाएंगे फेसबुक, फेसबुक का फ्री आइकन बहुत सारा मिल जाता है, सॉरी हाँ इसको भी हम ऐसे कर लेंगे, लेके कंट्रोल बैकस्पेस, हाइट हो गया, सेव एंड इसको लेके जाके यहाँ पे, तो ये आ गया मेरा फेसबुक। हम यहाँ पे मुझे अभी ये चाहिए, देखिए ये थोड़ा मेरा बड़ा हो गया मुझे लगता है, हम इसको छोटा करेंगे थोड़ा सा, एक दो तीन चार, सर ठीक है अंदर ठीक है। अभी ये इसको भी थोड़ा हम और छोटा करेंगे, देखिए फेसबुक अभी क्या कर रहा हूँ, फेसबुक को ही कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, कॉपी करके तीन चार आइकन बना देते हैं, क्योंकि अभी हम ट्विटर डाउनलोड करेंगे उसमें टाइम लगेगा, तो आप डाउनलोड करके आप कर लीजिएगा, हम थोड़ा दिखा रहे हैं आपको कैसे करें, ठीक है। तो ऐसे चार को हम एकदम राइट साइड से दे देंगे, बड़ा हो गया थोड़ा सा, हम छोटा करेंगे इसको, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मेरा ऊपर वाला आई सेक्शन हो गया। देन अभी मेनू जो बनाए थे ना, मेनू को थोड़ा हम नीचे कर देंगे, लोगो एंड मेनू को थोड़ा नीचे करेंगे, देखिए ऑल टाइम आप ने भी जो आपका ये है, मतलब इसको मेंटेन करिएगा ऑल टाइम, ये बहुत काम का चीज़ है। थोड़ा सा और नीचे ले लेंगे थोड़ा सा, इतना ठीक है। तो देखिए ये हो गया, देन हम क्या करेंगे, बैनर सेक्शन लेंगे, ठीक है। तो हम बैनर फिर से हम ये सिलेक्ट करेंगे टूल को, इतना सा, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए बॉर्डर को फिल किया, बॉर्डर को बॉर्डर मतलब स्ट्रोक दिया हुआ है, एंड फिर जो अंदर में जो ये कलर है उसको ये, तो हम अंदर में फिल कर देते हैं इतना। तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों हम ऊपर एंड नीचे सही रखना है मुझे, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा नीचे आएगा, ये आपको मेज़रमेंट करना है, अभी अगर हम देखना जाएंगे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, आप मेज़रमेंट कर लीजिएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे करके आप मेज़रमेंट कर लीजिएगा। तो हम जाएंगे गूगल पे, गूगल पे गए हम, ये बोला यहाँ से हम बहुत सारा इमेज अच्छे अच्छे मिलता है, फ्री पिक से मिलता है, एंड ये साइट में भी बहुत सारा पिक्सल है, यहाँ से भी बहुत अच्छा अच्छा साइट का इमेजेस, बैनर का इमेजेस मिल जाता है। तो हम एक इमेज, कौन सा इमेज ले, एक अच्छा सा एक इमेज लेते हैं, बैनर साइज फोटोस, तो हम जाते हैं वॉलपेपर पॉपुलर इमेज, हम कोई बैनर मारते हैं, देखता हूँ बैनर्स पे क्या होता है, देखता अच्छा कोई इमेज, इमेज बहुत अच्छा है, ये भी इमेज बहुत अच्छा है, ये अच्छा अच्छा कोई इमेज अच्छा, हाँ ये इमेज बहुत अच्छा लग रहा है, इमेज देख सकते हैं बहुत अच्छा है। तो इसको राइट क्लिक करेंगे, देन सेव एज करेंगे, ठीक है। अब देख सकते हैं राइट क्लिक करके हम डाउनलोड भी कर सकते हैं, ऐसे फ्री डाउनलोड है,
देन इसको ओपन करेंगे, क्योंकि अभी हम बड़ा इमेज डाउनलोड करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि क्या करें, हमको जस्ट बैनर बनाना है। जब हम कोई फाइल क्रिएट करेंगे तब हम इसको डाउनलोड कर लेंगे, देन इसको इसके अंदर दे देंगे। तो देखिए इसके अंदर ये बाहर चला गया, तो तरफ बड़ा कर लेंगे, देन इसको बड़ा करते बड़ा। तो क्या है ना, हमने जो बैकग्राउंड बनाया था बैनर के लिए, ये बाहर चला गया। तो हम जो इमेज है, इमेज के ऊपर माउस ले जाएंगे एंड ऑल दबाएंगे। देखिए ये जो आइकॉन आ रहा है इसको क्लिक करके क्लिक कर देंगे तो इसके अंदर चला जाएगा। तो इसको करते हैं क्लिपिंग मार्क्स हो जाएगा, इस मतलब इसके अंदर मार्क हो जाएगा। तो इसको थोड़ा हम साइज कर लेते हैं। तो देखिए बैनर आ गया मुझे मेरा, ठीक है। तो आप चाहिए तो बैनर के ऊपर हम कुछ लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं बैनर के ऊपर दिस, हम दिस इज ओनली फॉर डिज़ाइन, हम लिखे दिस इज ओनली फॉर डिज़ाइन। तो कलर हम वाइट करेंगे एंड फॉन्ट चेंज करेंगे इसका, ये वाला फॉन्ट मुझे अच्छा लगता है, रेगुलर दे देंगे, फॉन्ट साइज बढ़ाएंगे। हाँ ठीक है, अभी ये ठीक है। अभी इसको हम कहाँ पे थे, हम अब बैनर बनाए हैं जहाँ आपको देना चाहिए आप दे सकते हैं। हम यहाँ से यहाँ पे दे देंगे इसको साइट में, मुझे साइट में अच्छा लगता है ज़्यादा, क्योंकि बैनर अगर मुझे अच्छा लगता है। अब आपको बैनर के ऊपर मिडिल में देना हो तो मिडिल में भी दे सकते हैं, हम मिडिल में नहीं देते क्योंकि अगर मिडिल में कोई अच्छा बैनर हो तो उसके ऊपर टेक्स्ट आ जाएगा तो उतना अच्छा नहीं लगेगा, तो हम साइड में देते हैं, ठीक है। तो आप दे सकते हैं आपका मर्जी, आप जहाँ पे आपको चाहिए अच्छा लगे। इसको थोड़ा फॉन्ट साइज हम छोटा कर देंगे, ठीक है। देखिए कूल लग रहा है, कितना अच्छा कूल लुक है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया बैनर सेक्शन हो गया, कितना मतलब सिंपल सा है। देखिए सिंपल के अंदर बहुत अच्छा लग रहा है, सिंपल है लेकिन अच्छा लग रहा है, देखिए। तो चलिए नेक्स्ट सेक्शन बनाएंगे, अबाउट सेक्शन। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे, जस्ट क्रॉप करेंगे क्रॉप टूल पे एंड थोड़ा नीचे ऐसे ये कर लेंगे, देन ओके। तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा मत कीजिएगा, छोटा छोटा करके ही करिए एक टाइम में। तो हमको लेना है अबाउट सेक्शन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पे एक टेक्स्ट ले लूँगा, यहाँ से हम इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, इतना तक, ये इतना तक यहाँ पे मार्जिन है थोड़ा, और हाँ इतना तक, ठीक है। ऊपर जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा गैप दे देंगे, देन यहाँ पे लिखेंगे अबाउट ओनली फॉर डिज़ाइन, अबाउट कलर, अबाउट कलर को हम थोड़ा ब्लैक कर लेंगे, अबाउट ओनली फॉर डिज़ाइन, फॉर अबाउट ओनली फॉर डिज़ाइन, ठीक है। तो हम इसको छोटा कर लेंगे, छोटा कर लिया, आप देख सकते हैं। इसको हम थोड़ा हटाते हैं, इसको हम एकदम राइट में ले लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम बीच में देंगे यहाँ, इसको थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं। डिज़ाइन आपके ऊपर ही, आप कहाँ कैसे डिज़ाइन करें आपके ऊपर है। हम जाएंगे डामी टेक्स्ट लिखेंगे, डामी टेक्स्ट, हम ऑल टाइम डामी टेक्स्ट यूज़ करते हैं लॉरी इमसम, देन इसको कॉपी एंड इससे हम डामी टेक्स्ट यहाँ से कॉपी करेंगे इतना तक, देन यहाँ पे जाएंगे, देन बीच तक, एकदम बीच तक इसको लेके पेस्ट कर देंगे, देन इसको लाइट फॉन्ट साइज छोटा
एकदम छोटा करेंगे, ठीक है, थोड़ा लाइन हाइट बढ़ाएंगे इसको, लाइन हाइट बढ़ा दिया, और भी छोटा करेंगे फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है, लाइन हाइट बढ़ा दिया, ठीक है। तो जो ब्लैक कलर है, कलर को थोड़ा हम बहुत डार्क है, थोड़ा ऊपर कर देंगे इतना शक, ठीक है, देखिए, एंड इसको जस्टिफाई कर देंगे, सॉरी, इसको टेक्स्ट पैराग्राफ पे जाएंगे, पैराग्राफ पैराग्राफ यहाँ से पैराग्राफ देन जस्टिफाई, देखिए कितना अच्छा लग रहा है अभी। अब इसको हम बड़ा करेंगे, देखिए एकदम कितना अच्छा लुक आ गया इसका। हम इसको यहाँ से इसको ले लेंगे, थोड़ा और बड़ा कर देते इसको, पूरा, हाँ पूरा कर दिया, अबाउट ओनली फॉर डिज़ाइन, ठीक है, तो पूरा आ गया। एंड यहाँ पे एक इमेज ले लेंगे हम, मान लीजिए हम गूगल, मेरे पास बहुत सारे इमेज है, बहुत सारे इमेज है, हाँ मान लीजिए ये वाला इमेज हम ले लेते इससे लेके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है, पेस्ट कर दिया, देखिए तो ये मेरा अबाउट सेक्शन हो गया। एंड यहाँ पे एक बटन कर देंगे, यहाँ पे यहाँ पे बटन, जस्ट हम बॉर्डर को हम कलर करेंगे ब्लैक कलर, बॉर्डर 4 पिक्सल है, इसको थोड़ा कम करेंगे हम, इतना ठीक है। देन देखिए, एंड यहाँ पे कर देंगे रीड मोर नो मोर, ठीक है, नो मोर, एंड इसको हम फॉन्ट, इसका फॉन्ट हम छोटा कर देंगे 16 पिक्सल, एंड इसको इसके अंदर हम ले जाते हैं, ठीक है। तो देखिए मेरा अबाउट अ सेक्शन हो गया, कितना अच्छा लग रहा है, बहुत आसान है एंड बहुत सिंपल सा है, बहुत एक सिंपल सा वीडियो है एंड बहुत आसान है, ज़्यादा ज़्यादा ये नहीं है, आसान है। तो हम क्या करेंगे, इसको और थोड़ा बड़ा कर लेंगे, एक एक सेक्शन करेंगे और एक एक सेक्शन हम इसको बड़ा करेंगे, ठीक है, सेक्शन कर लिया। तो फिर से हम इसको हम यहाँ से लेंगे इतना तक, सॉरी हम इसको डिलीट कर रहा हूँ, मेरा गलत लेना हो गया। फिर से हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ से सिलेक्ट एंड इतना तक, देन यहाँ पे देखिए इसको जो फील कलर है उसको हम ब्लैक कर लेंगे एंड स्ट्रोक को हम रिमूव कर देंगे, ठीक है, देन सेव। तो हम ये ऊपर में अच्छा नहीं लग रहा, तो हम क्या करेंगे, इसको हम नीचे दे देंगे ऐसा, इसके साथ थोड़ा बड़ा कर देंगे, इतना सा थोड़ा बड़ा कर देंगे इसको, देखिए अब देख लीजिएगा एक बार, बाहर में मत चला जाए, हाँ ठीक है। तो ये मेरा अबाउट सेक्शन हो गया एंड ये यहाँ पे, तो यहाँ पे हमको देना है इमेज देना है एंड कुछ सेक्शन देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक टाइटल देंगे, व्हाई चूज अस, तो उससे पहले हम यहाँ पे एक इमेज देंगे, तो हम जाएंगे यहाँ पे कुछ इमेज लेंगे यहाँ से, कौन सा इमेज ले, कौन सा एक ब्लैक कलर के ऊपर इमेज लेना बहुत अच्छा होगा, ब्लैक के ऊपर, देखिए। और एक काम कर सकते हैं, ये जो टेक्चर, ये टेक्चर एक हम टेक्चर भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा, हम आपको दिखा रहा हूँ कैसे टेक्चर यूज़ करते हैं। तो हम डाउनलोड करके रखें, हम नेक्स्ट वाला इसमें यूज़ करेंगे, अभी इसमें नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम डाउनलोड कर दूसरा कोई इमेज, कुछ दूसरा
ये वाला इमेज नहीं है बहुत, ये वाला बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है तो इसको हम लेंगे कॉपी, देन ओपन विथ, इसमें यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो बहुत छोटा आ रहा है, इसको जस्ट बड़ा कर लेंगे। बड़ा इसके अंदर, ठीक है। अभी देन इसको ऊपर हम ले जाएंगे ऊपर, देन इसको शेप के अंदर ये कर दिया, देखिए। ठीक है तो ये मेरा, देखिए कितना आसान लग रहा है, ब्लैक के ऊपर, ब्लैक एंड व्हाइट के ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। देन इसको जस्ट इसका ओपेसिटी थोड़ा कम कर देंगे, 60 पिक्स 60 प्लस। ठीक है इसका ओपेसिटी कम कर दिया तो अच्छा हुआ। देखिए इतना सा बना लिया, बहुत टाइम जा रहा है, हमको एक एक करके आपको बोल रहे हैं कि बना रहा हूँ। तो इसमें क्या करेंगे हम, कुछ सेक्शन बनाएंगे, ठीक है, 6-6 करके दो तो सेक्शन बनाएंगे। यहाँ से एक लेंगे, व्हाट वी डू, देन कॉपी सिलेक्ट ऑल कलर व्हाइट, इसका फॉन्ट साइज बढ़ाएंगे। ठीक है देन ऊपर में कर देते हैं, एंड ये जो पी है, पी को जस्ट हम कॉपी करके यहाँ पे दे देंगे। ये यहाँ पे आ गया, लेकिन ये जो लेयर है, लेयर के बाहर चला गया, पीछे चला, नीचे चला गया। तो देखिए ये ऊपर आ गया, इसको सिलेक्ट एंड कलर व्हाइट, देखिए कलर व्हाइट कर दी हमने। हम इसको रिमूव करके एक बार दिखा रहा हूँ, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। को जस्ट इसको मिडिल में लाएंगे, ठीक है, ऊपर से एंड नीचे से गैप थोड़ा एक ही रखना चाहिए, एक ही होना चाहिए। तो आप एक बार मैंने मेज़रमेंट कर लीजिए, हम जल्दी से कर रहा हूँ आप मेज़रमेंट कर लीजिएगा। तो इसको हम कर लिया, जन इसको दोनों को कॉपी करेंगे एंड जस्ट कॉपी करके यहाँ से इस तरफ ले लेंगे। ठीक है जस्ट इसको इस तरफ ले लिया एंड इस दोनों को थोड़ा सा इस तरफ एक मूव कर देंगे। देन इसको व्हाट एंड व्हाट वी डू एंड देखेंगे हु वी आर। ठीक है दे दिया, तो देख सकते हैं सिंपल सा है, अच्छा लग रहा है। ठीक है आप चाहे तो और थोड़ा बैकग्राउंड को ओपेसिटी कमा सकते हैं थोड़ा सा, इतना ठीक है। हाँ तो ये मेरा हो गया अबाउट अ सेक्शन, ऐसा हो गया। तो और भी हम लेते बनाएंगे एक सेक्शन, अब हम बनाएंगे अबाउट हो गया, इसके बाद कौन सा सेक्शन है उनका देख रहा हूँ एक बार, सर्विस सेक्शन। तो हम शॉर्ट में कर दे, आपको एक मैजिक दिखा रहा हूँ, मैजिक नहीं है, आपको बोल रहा हूँ कैसे आप शॉर्ट में पीएचडी को और भी अच्छा बना सकते हैं। देन यहाँ पे जाएंगे फ्री पिक पे, देन सर्विस एलिमेंट, वेब एलिमेंट देंगे, जस्ट वेब एलिमेंट्स। ठीक है देखिए यहाँ पे कितना सारा अच्छा अच्छा ग्राफिक आपको मिल जाएगा, आप यहाँ से डाउनलोड करके उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है हम कहाँ से कौन सा वाला ले सकते हैं देखते हैं, फ्री का कौन सा है, फ्री का फ्री वेब एलिमेंट, अब यहाँ से बहुत सारा सेक्शन डाउनलोड कर सकते हैं, करके आप ऐड कर सकते हैं, देख सकते हैं बहुत सारा है।
फ्री का मुझे नहीं मिल रहा है, फ्री का कुछ चाहिए जो हम वहाँ पे ऐड करें, फ्री का सेक्शन सर्विस, फ्री का सर्विस सेक्शन हम ऐड करेंगे कहाँ से? तो अच्छा नहीं मिल रहा है मुझे अभी, तो अभी नहीं मिल रहा है मुझे। हाँ फ्री का नहीं मिल रहा है, आप यहाँ पे देख लीजिएगा आपको मिल जाएगा बहुत सारा। तो एक मुझे मिला है, हम इसको ही डाउनलोड कर रहा हूँ अभी, जो मिला है पास में जो उसको डाउनलोड कर रहा हूँ, डाउनलोड करके आपको दिखा रहा हूँ कैसे हम कस्टमाइज कर सकते हैं इसको। एक ए भी फ्री का है, ये बहुत अच्छा लग रहा है, ए अच्छा लग रहा है मुझे, इसको लेंगे। ठीक है इसको हम डाउनलोड कर लिए, देखिए बहुत सारा है अभी फ्री का, बहुत सारा दिख रहा है, बहुत सारा एलिमेंट आपको सर्च करना पड़ेगा, अच्छे अच्छा एलिमेंट सर्च करना पड़ेगा। तो हम इसका डाउनलोड मेरा हो गया, डाउनलोड हो गया, इसको कॉपी किया, देन एक फोल्डर के अंदर पेस्ट, देन सेक्शन, देन इसको हम ओपन करेंगे। ये एक ए आई फाइल है इसको, ये ए आई फाइल है, ए आई फाइल को हम ऐड करेंगे, सॉरी ए आई फाइल को हम एडिट करेंगे, जस्ट एडिट करके पीएनजी फाइल में हम एक्सपोर्ट करेंगे उसे। ठीक है ए आई फाइल है, जस्ट सॉरी इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको रिमूव करेंगे, इसका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे, बैकग्राउंड लॉक है, हम एक दिन दिखाएंगे पीएचडी पे, देन इसको सेव करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे पीएनजी देन डेस्कटॉप पे हम सेव कर लेते हैं। ठीक है इसको डेस्कटॉप के सेव कर लिया, थोड़ा हाई रेजोल्यूशन पे सेव करता हूँ। देखिए कितना आसान तरीके से आप एक बना सकते हैं। ठीक है देन इसको हम जस्ट सेव का डेस्कटॉप पे हो गया, इसको हम लेंगे एंड यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे, देन इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, मुझे कंटेनर के अंदर चाहिए। तो ठीक है देखिए कंटेनर के अंदर आ गया, कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है अच्छा लग रहा है ना, तो ये मेरा अबाउट होम सेक्शन हो गया। देन अब मान लीजिए गैलरी सेक्शन बनाएंगे। ठीक है एक गैलरी सेक्शन बनाते हैं, यहाँ से इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे, बहुत पसीना आ रहा है क्योंकि गर्मी है बहुत यहाँ पे। देन यहाँ पे एक गैलरी सेक्शन बनेंगे, तो गैलरी पे यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा हम बैकग्राउंड कलर लेंगे, व्हाइट येलो कलर का कुछ, सॉरी यहाँ से एक इमेज ले लेता हूँ हम कुछ, ये वाला इमेज हम लेता हूँ, सॉरी ये वाला नहीं आएगा मुझे लगता है, टाइम लग रहा है तो टाइम नहीं है मेरे पास, जो आएगा उससे से काम चलाएंगे हम। कौन सा इमेज कौन सा इमेज, ये वाला इमेज अच्छा लग रहा है, तो इसको कॉपी सेव एज हैं। तो हम जाएंगे इसमें, हम इसको जस्ट इतना तक इसको लेंगे, देन हम इसको येलो कलर पे दे देंगे, येलो। ठीक है एंड ये जो इमेज हमने डाउनलोड की है,
इसको जो डाउनलोड किया कहाँ गया कहाँ गया ये डाउनलोड, हाँ ये वाला, एंड इसको अंदर हम पेस्ट कर देंगे। जब थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसको, छोटा आ रहा है, देन इसको इसके अंदर हम ये कर दिए, देन क्या करेंगे इसको ओपेसिटी कम कर देंगे एकदम, उतना नहीं इतना, ठीक है ठीक है। एंड इसका कलर भी थोड़ा डार्क करेंगे, बहुत ये येलो हो गया, इतना ठीक है। तो अभी इसमें हम गैलरी बनाएंगे, तो गैलरी पे हम कुछ हेडिंग नहीं दे रहे हैं, अब हेडिंग दे सकते हैं, हम हेडिंग नहीं दे रहा हूँ, टाइम लगेगा इसलिए हेडिंग नहीं दे रहा हूँ। तो मेरे पास कुछ इमेजेस है, तो हम इमेजेस को यूज़ करते, ये एक इमेजेस है, तो हम पहले घर बना लेते, ठीक है। जो जो हम बैनर गैलरी देंगे, गैलरी का पहले इमेज का हम बॉक्स बना लेता हूँ, देन इसको ब्लैक पे कर लेता हूँ एक बार, ब्लैक, एंड इसका जो स्ट्रोक है इसको हटा देंगे, देन इस बाहर कर देंगे, ठीक है, हाँ ये बड़ा, एंड इसको कॉपी, इसको छोटा कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, बहुत बड़ा हो गया डिज़ाइन, छोटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसको इतना तक, एंड थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ यहाँ से, देन इसको इतना तक, ये बाहर चला जा रहा है, तो हमको क्या करना है, छोटा करना पड़ेगा, छोटा सा, तो इसको भी यहाँ से इतना तक कर लेंगे, ठीक है, एंड इसको यहाँ से इतना, तो मेरा ये हो गया। एंड इसको थोड़ा हम बड़ा कर लेता हूँ नीचे में, एकदम मुझे सही चाहिए, तो ये जो चार है इसको थोड़ा हम छोटा करेंगे एक साथ, देखे हाँ, देखिए ये मेरा जो गैलरी बनाऊंगा ना, गैलरी का हम सेक्शन हम बना लिए, तो इसके अंदर जस्ट इमेज चेंज कर देंगे, ज़्यादा टाइम नहीं है, इमेज को ऐसे ही मान लीजिए, इमेज इस पर दे दिया, बहुत बड़ा आ रहा है, इसको छोटा करेंगे, इमेज दे दिया, देन इसको इसके अंदर, तो एक इमेज आ गया मेरा, देख सकते हैं, हाँ सेव। दूसरा एक इमेज ले लेंगे कोई भी, दूसरा कौन सा इमेज ले, इमेज ये एक इमेज ले लिया, दूसरा इसको भी छोटा कर लेता हूँ ना, छोटा, देन इसको थोड़ा इसके ऊपर दे देंगे, देन इसको इसके अंदर हम ये कर दिया, थोड़ा सा सॉरी, थोड़ा सा हम इसको कर लिया, देन हम और इमेज चाहिए, मुझे चार इमेज चाहिए, ये एक इमेज है, जितना है इमेज हम इतना चूज़ नहीं कर रहा हूँ, हम ऐसे ऐसे जितना इमेज है हम इसको जस्ट दे रहा हूँ, ठीक है, इसके ऊपर देन ऐसे, तो इसके ऐसे टान दिया, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेंगे, देख सकते हैं, एंड दो टो चाहिए, दो टो इमेज, एक खाने का इमेज है, इसको यहाँ पे दे दिया, थोड़ा सा बड़ा कर लिया, इसको ऊपर में देंगे, एंड इसको इसके अंदर, देख सकते कितना आसान है, हाँ आप थोड़ा टाइम लेके मेहनत करके करिए, बहुत और भी मेरे से भी बहुत ज़्यादा आसान आ जाएगा, आसान होगा, हम थोड़ा जल्दी में कर रहा हूँ, सोचने का वक्त नहीं यार, कुछ
सोच के भी नहीं कर रहा हूँ, मेरा दिमाग में जो आ रहा है अभी वही कर रहा हूँ। तो आप भी कुछ सोच के करिए। हाँ देखिए, तो हम गैलरी तो बना लिया, इसको थोड़ा हम क्या करेंगे, थोड़ा सा छोटा कर देंगे, बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, इसका कलर हम चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, कलर चेंज कर दिया। हाँ अभी नहीं, कलर पहले ही ठीक था। हाँ ठीक है, ब्लू कलर के ऊपर दे रहा हूँ इसको, थोड़ा ब्लू, नहीं ब्लू नहीं, ब्लैक, ये ठीक लग रहा है। ठीक है, तो आपको जैसा लगा आप दीजिए। देखिए हम इसको अभी सेव कर रहा हूँ इतना तक, ठीक है, क्योंकि वीडियो मेरा बहुत बड़ा हो जाएगा इतना तक। ठीक है, सेव एंड इसको PNG में सेव करके रखिए एंड इमेज फाइल में JPG में सेव करिए। तो PNG में सेव करने से क्या होगा, जब आप उसको एडिट करना चाहिए दोबारा तो आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए ये आ गया मेरा PNG। तो देखिए कितना सिंपल सा अच्छा लग रहा है मुझे, और भी टाइम लेके अच्छे तरह से बना सकते थे लेकिन मेरे पास उतना टाइम नहीं है। PhD हम जितना वीडियो देखे PhD का उतना उसमें हम देखे क्या साउंड नहीं है कुछ, ऐसे करके बना रहा है। तो उसमें क्या होता है, जो बिगिनर फोटोशॉप होता है वो पता नहीं उसको कुछ क्या कौन कहाँ से कौन सा टूल से क्या हुआ। तो हम एक एक चीज़ हम आपको ये करके बोला है, स्पेसिफिक करके एक एक चीज़ बोला है कहाँ से कैसे करते हैं। तो हम देख लीजिएगा, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हम एक एक चीज़ आपको समझा के बोले कैसे कौन सा चीज़ करता है। तो हम अगर साउंड बंद करके स्पीड से करें तो आप देख तो पाएंगे साउंड, वीडियो थोड़ा छोटा हो जाएगा लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा हम क्या कर रहा हूँ। तो प्लीज़ एक बार ट्राई कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।